Everyone, welcome in my second part video of economics, utility analysis, consumer behavior. Our second question is, what are the types of utility? Part 1 में हमने देखा definition of utility and features of utility. Now, types of utility. मैं एक बार और utility का definition बता देता हूँ या meaning बता देता हूँ. Utility is nothing but the want, satisfying power or capacity of a commodity. किसी भी वस्तु की वो क्षमता, वो power, वो capacity जो हमारी wants को satisfy करता है, उसी commodity में हमारी क्या होती है? Utility होती है. या उसी को हम क्या कहते हैं? Utility. Now, types of utility में पहला है form utility. Form utility मतलब when the utility of a commodity increases due to change in its form. जैसे मान लिया जाए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े से मैं क्या बना दू? टेबल बना दू, तो उसका फॉर्म चेंज हो गया. शेप, साइज चेंज होने से यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उसे हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी. बहुत ही सिंपल. When the utility of a commodity increases due to change in its form, that is shape, size, color, design, ये सब चेंज होने से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ केस ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. सो फॉर एग्जाम्पल, वेन अ लॉग ऑफ वुड, जब एक लकड़ी का टुकड़ा इज कन्वर्टेड इन टू अ टेबल, जब एक लकड़ी के टुकड़े को टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, कर दिया जाता है, तो इट इज अ केस ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. वेरी सिंपल. सेकेंड वन, प्लेस यूटिलिटी. वेन द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, किसी भी वस्तु की यूटिलिटी बढ़ जाती है उसके स्थान में परिवर्तन होने के कारण या चेंज होने के कारण. जैसे देखो, वेन द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, मतलब एक कोई भी एक कम्युनिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने के बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. और कोई भी वस्तु एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कब पहुंचेगा? किसके माध्यम से पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से. इसलिए ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, वेन एप्पल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर टू मुंबई, इट इज अ केस ऑफ प्लेस यूटिलिटी. Place utility of a commodity is always more in area of scarcity than in area of abundance. किसी भी वस्तु की जो place utility है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? जहां पे उसकी scarcity होती है, जहां पर उसकी कमी होती है. Then the area of abundance as compared to the area of abundance. Area of abundance मतलब होता है जहां पे वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है. तो अबंडस मतलब होता क्या है? अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होना. जाहिर सी बात है ना, जहां पे जो चीज बहुत ज्यादा मिलती है उसकी यूटिलिटी वहां पर कम होती है, और जहां पे जो वस्तु कम मिलती है वहां पे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. एप्पल का एग्जांपल आपके सामने है, कश्मीर से मुंबई ट्रांसफर हुआ, मुंबई में एप्पल उगता है क्या? नहीं. पैदा होता है क्या एप्पल? नहीं. कश्मीर में उसकी यूटिलिटी कम हो सकती है, बट मुंबई में उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर उसकी स्केयरसिटी है. उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. थर्ड वन, टाइम यूटिलिटी. व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड द टाइम यूटिलिटी. किसी भी कम्युनिटी की जो यूटिलिटी है वो चेंज हो जाती है ड्यू टू इट्स टाइम यूटिलाइजेशन. हम उसके पर्टिकुलर टाइम पर उसको यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? टाइम यूटिलिटी. जैसे स्टूडेंट has more utility for textbook during examination. Exam का time आया तो student की utility books में बहुत बढ़ जाती है, और एक बार exam का time गया और vacation का time आया तो उस book में उस student की कोई utility है क्या? नहीं है. ये time being है. Exam के समय पर ज्यादा utility textbook में, exam नहीं है vacation लग गया, कोई भी utility उस book में उसको मिलेगी ही नहीं. तो time का factor नहीं है. इसका एक और एग्जाम्पल है, वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बंपर क्रॉप
जब बहुत ज्यादा फसल उत्पादन होती है, फसलों का उत्पादन के टाइम पर फसलों को हम क्या करते हैं, वेयरहाउस में स्टोर कर लेते हैं एंड रिलीज्ड फॉर सेल एट द टाइम ऑफ स्कैर्सिटी। और जब मार्केट में उसकी कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है, तो उसको उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो ये टाइम यूटिलिटी हो गया उसका, तो वेयरहाउस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। और एक और एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन ऑल्सो क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। हमने ब्लड डोनेट कर दिया लेकिन उसका यूज कब होता है, टाइम पड़ने पर होता है। जब उसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी होती है, बहुत नीड होती है, तो ब्लड डोनेशन इज ऑल्सो अ केस ऑफ टाइम यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मीन्स व्हाट? देर आर सो मेनी सर्विसेस प्रोवाइडेड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, lawyers, and the services of these peoples are services of these peoples creates utility. हमें study करनी है, teacher के पास जाते हैं, service utility कौन provide कर रहा है, teacher provide कर रहा है। हमें expert की services लेनी है, हम experts के पास जाते हैं, उसकी service लेते हैं। तो service utility is very simple, when the utility of a community is created by rendering certain personal services. जब कोई certain person सर्टन पर्सनल सर्विसेज रेंडर करता है तो वो सर्विस यूटिलिटी उस व्यक्ति में हमारी यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे वेरियस प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, देन इट इज नोन एज सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी। ये नॉलेज यूटिलिटी क्या है? जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई कंप्यूटर है या मोबाइल है, अगर कंप्यूटर और मोबाइल का को ऑपरेट करने का या उसके फंक्शनिंग के बारे में हमें नॉलेज होगा तो हमारे लिए उसके अंदर यूटिलिटी होगी। हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो कंप्यूटर में कोई यूटिलिटी होगी क्या? तो कंप्यूटर में हमारी यूटिलिटी कब क्रिएट होगी? जब कंप्यूटर के बारे में हमारा नॉलेज होगा, अदरवाइज कोई यूटिलिटी नहीं होगी उसके अंदर। आप एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दीजिए कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर का ए बी सी डी नहीं जानता है, तो उसके लिए उस कंप्यूटर में कोई यूटिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। तो उसी तरह से वेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स नॉलेज, जब कंज्यूमर नॉलेज प्राप्त करता है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। आप कंज्यूमर है, आपको उसके बारे में नॉलेज है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर आपकी नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट होगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस वेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। कंप्यूटर और मोबाइल के वेरियस फंक्शंस के बारे में जब कंज्यूमर को मालूम होता है, नॉलेज होता है, तो उसमें उसकी नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर उसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं रहेगा तो कोई भी नॉलेज यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी। पोजीशन यूटिलिटी। किसी भी कम्युनिटी की यूटिलिटी तब बढ़ जाती है जब वो हमारे पोजीशन में होती है। इस्तेमाल लिया जाए, सेलर के पास कोई कम्युनिटी या प्रोडक्ट जब तक है तब तक उसके अंदर हमारी यूटिलिटी नहीं है। एक बार सेलर ने उस कम्युनिटी को बेच दिया बायर को, बायर के पास पहुंचने के बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है पोजीशन में आने के बाद। सवाल लिया जाए, मैं बायर हूं, मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है और मैं उसको डिमांड क्यों करूंगा या खरीदूंगा क्यों? जैसे हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। मैं डिमांड कोई कम्युनिटी कब करूंगा? जब वो कम्युनिटी मेरी वांट सेटिस्फाई करेगी। जाहिर सी बात है, मैं उसको डिमांड करने के लिए किसके पास जाऊंगा? सेलर के पास जाऊंगा। तो यूटिलिटी है तब ना, और वो उस कम्युनिटी में मेरी पोजीशन यूटिलिटी कब क्रिएट होगी? जब वो मेरे पोजीशन में आएगी। यानी कि सेलर ने अगर एक बार कंज्यूमर या बायर को कम्युनिटी बेच दिया तब पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे देखिए कैसे पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस। पोजीशन यूटिलिटी उत्पन्न होती है, अराइज होना मतलब उत्पन्न होना। व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब गुड्स का ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर होता है तब पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। बहुत ही सिंपल था ये। और लास्ट है हमारा नेचर यूटिलिटी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग गुड्स अवेलेबल फ्रीली इन नेचर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। ऐसा कौन सा गुड्स है जो बहुत सारे गुड्स है जो फ्री गिफ्टेड बाय नेचर है? नेचुरल गुड्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर।
जैसे सनशाइन, सनशाइन का बहुत ही ज्यादा कमर्शियल यूज होने लगा है फॉर सोलर हीटर। तो ये यूटिलिटी किससे क्रिएट हो रही है? नेचर से क्रिएट हो रही है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? नेचर यूटिलिटी। वेरी सिंपल। नाउ अगला हमारा क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यहां से टॉपिक जो है, आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझे बिना टॉपिक में आगे नहीं जा सकते। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है या टॉपिक के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो पूरी तरह से टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हैं। इसलिए आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, और द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। पहला कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सो द टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार और, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज। सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज मतलब हम जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम करते जाते हैं, जितने भी यूनिट कंज्यूम करेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक दिए गए निश्चित समय के अंदर सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर। तो जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। जैसे इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम्ड। सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम मतलब इट इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल। हमने सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम किया मतलब वन आफ्टर अनदर। तो जितने भी यूनिट ऑफ कम्युनिटी हम कंज्यूम करेंगे एक दिए गए निश्चित समय में, उन कम्युनिटीज को कंज्यूम करने के बाद जो हमें यूटिलिटीज मिलेगी, उन यूटिलिटीज का टोटल कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। याद रखिए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, ऐसा एज्यूम किया गया है बाय डॉक्टर अल्फर्ड मार्शल। एज्यूम कर गया तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर फाइव डेरी मिल्क चॉकलेट, आपके पास पांच डेरी मिल्क चॉकलेट है, देन टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द फाइव चॉकलेट्स वन आफ्टर अनदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक दिए गए निश्चित समय में वन आफ्टर अनदर हम कंज्यूम करेंगे चॉकलेट्स को, और हर चॉकलेट को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेगी उस यूटिलिटी का हम सम टोटल कर लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमने पांच चॉकलेट कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया तो आपको लगता है क्या पहले चॉकलेट में जितनी यूटिलिटी होगी क्या दूसरा कंज्यूम करने के बाद उतनी ही यूटिलिटी रहेगी? नहीं, तीसरे में क्या उतनी ही रहेगी? जैसे जैसे हम संतुष्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे हम सेटिस्फाइड होते जाएंगे, वैसे वैसे चॉकलेट के अंदर हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो एक्चुअली यूटिलिटी का मतलब यही है। इसलिए यहां पे देखो लिखा है क्या, दस टोटल यूटिलिटी ऑफ यन यूनिट, मतलब मैंने पांच चॉकलेट खाया ना तो ये यन यूनिट क्या है? फाइव चॉकलेट से। इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मैंने पहला चॉकलेट कंज्यूम किया तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली होगी, दूसरा कंज्यूम किया थोड़ा कम यूटिलिटी, तीसरा कंज्यूम किया और थोड़ा कम यूटिलिटी। तो ये जो थोड़ा थोड़ा कम यूटिलिटी होती जाएगी ना, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन स्टॉक ऑफ अ कम्युनिटी वन आफ्टर अनदर। ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने चॉकलेट का पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, चौथा यूनिट कंज्यूम किया, हर बार मुझे अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी और उन सभी मार्जिनल यूटिलिटी को मैं टोटल कर लूंगा, उसी को मैं क्या कह रहा हूं? टोटल यूटिलिटी। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या फिर? नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड बाय कंज्यूमर
by consuming one more unit of a commodity. Simple. मैंने एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, जिसे मान लिया जाए मैं पहला कमोडिटी कंज्यूम करूंगा, उस वक्त मेरी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होगी उसके प्रति। ये पहला खा रहा हूं मैं, पहले यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, उस वक्त मेरी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम होगी। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड खाऊंगा या सेकेंड के बाद थर्ड खाऊंगा, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो मार्जिनल बेनिफिट जो है कम होता जाएगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू एन एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। मैं जैसे जैसे और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करता जाऊंगा, तो जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उसका मैं सम टोटल करूंगा, तो एडिशन करता है किसको जाकर के, वो टोटल यूटिलिटी को। तो यहां पर बहुत सिंपल बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है, कि एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी वह यूटिलिटी है जो हम एक और एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, जो एडिशन यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट। इसका मतलब क्या है, सर क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम आते हैं, देखो सपोज द कंज्यूमर हैज कंज्यूम्ड टू डेरी मिल्क, कंज्यूमर ने दो डेरी मिल्क चॉकलेट कंज्यूम किया, द एडिशनल यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स व्हेन ही कंज्यूम्स द थर्ड चॉकलेट, पहले दो में नहीं, जब वो थर्ड चॉकलेट कंज्यूम करेगा तो उसे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए देखो ध्यान से, मैं मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे यहां पे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, यहां पे ध्यान देना, ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी समझो है, और ये टोटल यूटिलिटी है, और ये कमोडिटी एक्स है समझो। मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, कमोडिटी समझो मैंगो है, तो मैं पहला मैंगो खाऊंगा, मान लिया जाए कि 10 यूटिलिटी मुझे मिल रही है। पहले देखो, ये एज्यूम्ड किया गया है, यूटिलिटी हमने फ्यूचर में क्या देखा, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, यूटिलिटी को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, बट हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं डॉक्टर अल्फर मार्शल, ध्यान देना पहले, तो टोटल यूटिलिटी भी सेम रहेगी। सो मैंने एक और यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे समझो 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, लेकिन इसमें इसको ऐड करने से 18 हो गया, और कंज्यूम किया मुझे 6, ये इसमें ऐड कर दो 24, ये कंज्यूम किया मान लीजिए मेरे पास ये 5 हो गया, और ये समझो 29। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी एक्जेक्टली क्या है, देखो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितना, 24 है, ये देखो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड चॉकलेट कितना है, कमोडिटी एक्स, चलो चॉकलेट है, थर्ड की टोटल यूटिलिटी कितनी 24 है, माइनस सेकंड की टोटल यूटिलिटी कितनी है 18 है, मैंने माइनस कर दिया इसमें से इसको, तो मुझे जो मिला 6 मार्जिनल यूटिलिटी, तो थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मेरी थी इसकी, 6 थी, थर्ड चॉकलेट की मार्जिनल यूटिलिटी एक्जेक्टली कितनी है, 6 है, तो आया 6 है, देखो यहां पर लिख रहा हूं ध्यान से, व्हेन ही कंज्यूम्स द थर्ड चॉकलेट एडिशनल यूटिलिटी, सॉरी थर्ड चॉकलेट, सॉरी यहां भी देखिए, सपोज द कंज्यूमर हैज कंज्यूम टू डेरी मिल्क चॉकलेट, द एडिशनल यूटिलिटी दैट ही डिराइव्स व्हेन ही कंज्यूम्स द थर्ड चॉकलेट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड चॉकलेट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, समझो ये 6 है, देखो तो कैसे मिली, जब हम थर्ड की टोटल यूटिलिटी में से सेकेंड की टोटल यूटिलिटी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।